हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट दही बड़े हमारे बने हैं। तो ये किस तरह से बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें 1 कप धुली हुई उड़द की दाल लेनी है और इसको हमें अच्छे से धो लेना है। धोते टाइम आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा झाग आ रहा है, तो हमें तब तक धोना जब तक ये झाग लगभग खत्म ना हो जाए। तो मैंने इसको 4-5 पानी अच्छे से धो लिया है और अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद इसको आप एक बोल में ट्रांसफर कर लें। अब मैं इसमें 3 कप भर के पूरा पानी डाल रही हूँ। अब इसमें ढक्कन लगा के आप 4-5 घंटा या फिर ओवरनाइट के लिए इसी तरह से रहने दें। मैं 12 घंटे के लिए इसको रख रही हूँ, रात भर के लिए। और रात भर इसको इस तरह से रखने के बाद आप ये देख सकते हैं दाल काफी फूल गई है। और अब हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और इसको अच्छे से पीस लेना है। अगर ये पीस नहीं पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच करीब पानी डालना है और इसको फिर से स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये देखिए मैंने काफी स्मूथ पेस्ट इसका बना लिया है। ये काफी गाढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको एक बोल में निकाल लेना है हमें। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हमें इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रहे कि इसको हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। और 8-10 मिनट करीब मुझे इसको फेंटते हुए हो गए हैं और ये काफी लाइट वेट हो गया है। और अब हमें इसको चेक करना है कि हमारा सही फिटा है नहीं फिटा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप बैटर लें और इसको पानी में डालें। अगर ये ऊपर को तैर रहा है यानी कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिट गया है। देखिए ये ऊपर तैर रहा है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है और इसको हमें मीडियम फ्लेम में रखना है थोड़ी देर के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे दही बड़े डालें। तो सबसे पहले 1 चम्मच को थोड़ा सा पानी में डिप करें और उसके बाद ये बैटर को आप इसको थोड़ा सा बैटर निकालें और इसको हमें तेल में डाल देना है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और उसके बाद इसको डालना स्टार्ट करें। दोबारा से देखिए, ये देखिए पानी में डाला और थोड़ा सा इसको हमें तेल में डालना है। मैं इसको चम्मच से इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका थोड़ा सा ओवल शेप आए। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। इसका बैटर आप थोड़ा थोड़ा सा ही लें, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये तेल में फ्राई होने के बाद फूल जाएगा, तो ये इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसको बैटर को डालें और अब हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते रहें ताकि ये एक ओर से उठ ना जाए। नहीं तो आप अगर तेल नहीं डालेंगे तो ये एक साइड से ऊपर वाली साइड से बाहर को उठ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा तेल इसमें डालते रहें। और इसको हमें अब पलट लेना है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है और ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। अब मैं आपको एक वड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, ये देख सकते हैं आप। ये अब हमें क्या करना है, एक बोल में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और ये जितने भी हमारे वड़े बने हैं इनको हमें गर्म पानी में डुबा देना है। अब इसको 1-1.5 मिनट के लिए इसी तरह से पानी में रहने देना है। अब दूसरे बोल में मैं दही ले रही हूँ। ये काफी पतला दही है, गाढ़ा दही नहीं लेना है, पानी जैसा दही हमें लेना है। और इसमें 2 छोटे चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। और इन सबको हमें अच्छे से फेंट लेना है। अब ये जो हमारे वड़े थे इनको हमें यहाँ पानी से निकालना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसका पानी निकल जाए और इसको दही में डाल देना है। ये देखिए हल्का सा प्रेस करना है और इसको दही में डाल देना है हमने। अब मैंने सारे वड़ों को इस तरह से दही में डाल दिया है और इसको अब हमें थोड़ी देर के लिए दही में ही डूबे रहने देना है ताकि दही जो है थोड़ा सा इसके अंदर चला जाए। और अब पानी में आप देख सकते हैं कितना ऑयल हमारा निकल गया है। ये देखिए पानी में सारा ऑयल हमारा इसका निकल गया है। अब मैंने थोड़ा सा गाढ़ा दही लिया है, ये मैंने घर में जमाया हुआ है तो ये काफी गाढ़ा है, आपको भी इसी तरह से लेना है। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गुड़ की मीठी चटनी बनाई है और हरी चटनी बनाई है धनिया और पुदीना की।
और ये मैंने भीगे हुए दही वड़े लिए हैं। अब इन सबको हमें एक प्लेट में डाल लेना है। अब इसके ऊपर हमने जो गाढ़ा दही लिया है उसको डाल देना है। अब थोड़ी सी मीठी चटनी, और थोड़ी सी हरी चटनी डालनी है। इसमें चुटकी भर नमक डालें और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसमें डाल देना है। और ये दही वड़ा बनके हमारा तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी है ये। और ये दही बड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है।